क्षेत्र लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी निर्मल सिंह का आज बार एसोसिएशन गुला में एक कार्यक्रम था, जिसमें बुद्धिजीवी वर्ग के तौर पर वकीलों को संबोधित करते हुए उन्होंने मत प्रयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने हमेशा जाति पाति की राजनीति की है, मोदी फैक्टर लोगों में अब नहीं है, लोग समझ चुके हैं कि ये एक झूठा है। इसके अलावा उन्हें क्रिमिनल कहे जाने के सवाल का भी उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मेरा क्रिमिनल रिकॉर्ड सभी राजनेताओं ने मिलकर बनाया है, अगर मैं क्रिमिनल होता तो 50 साल से राजनीति में ना होता और चुनाव न जीतता। अब मैं पार्लियामेंट लड़ूंगा, अब लोग निर्धारित करेंगे कि मैं क्रिमिनल हूँ या नहीं। इन्होंने मेरे ऊपर दो मुकदमे दायर किए हैं, एक अंबाला कैंट में दुकान लूटने का और दूसरा डकैती का। देखिए जी, एक तो जो वादे किए वो पूरे नहीं किए, बाकी उनके लक्षण जो पिछले 5 साल वो कहां यहां करते रहे, जाति पाति का जो जहर भेजा है ना, उसके वजह से उनको अपमान चलता है। सर, मोदी फैक्टर को कितना हावी मानते हैं आप? देखिए जी, मोदी फैक्टर लोगों का नहीं है, लोग समझ चुके हैं कि झूठा है। विधायक ने आपके रिकॉर्ड को क्रिमिनल रिकॉर्ड कहा है, इस पे क्या कहेंगे सर? मेरा क्रिमिनल रिकॉर्ड सारे राजनेताओं का बनाया हुआ है, अगर मैं क्रिमिनल होता तो 50 साल से राज्य में न होता, इतना समझ के चुनाव न जीतता, 8-8 असेंबली लड़ती, अब पार्लियामेंट लड़ूंगा, यही मुकदमा रजिस्टर करते हैं। अभी इन्होंने डकैती रजिस्टर की थी, तो लोग फैसला करेंगे। निर्मल सिंह डकैत है नहीं है, इन्होंने तो जो इनके खिलाफ बोलता है, मेरे पर एक नहीं दो मुकदमे रजिस्टर हुए हैं, एक अंबाला कैंट में दुकानें लूटने का किया था इन्होंने और एक डकैती का किया है, तो डकैत को तो उसे बाहर भी लेना चाहिए, इनसे खूब पकड़ लें। अर्थ प्रकाश टीवी के लिए गुला चीका से राजपाल चिंदल की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।